कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और अभी मॉर्निंग के 5 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ रेडी होकर अगम कुआं। और अभी हम लोग निकल चुके हैं और मेरे साथ है मेरी मम्मी, मेरा भाई और बाबू है। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं आगे ब्लॉग में, बने रहिए। फ्रेंड्स, तो फाइनली हम लोग पटना आगम कुआं पहुँच गए हैं और बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा मैंने कोशिश किया है कि मैं रियल आवाज़ में ही डालूं, वॉइस ओवर ना करूं, क्योंकि माता रानी की जगह पे ना ज़्यादा से ज़्यादा रियल आवाज़ में ही अच्छा लगता है। और आप लोग देखिए यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ कि कितना ज़्यादा भीड़ है, कितना ज़्यादा लाइन लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा था। 2 घंटे हम लोग लाइन में ही लगे, लेकिन यहाँ आने के बाद सोचा नहीं, हम लोग जब यहाँ तक आए तो पूजा करके ही जाएंगे, तो इसलिए हम लोगों ने 2 घंटे लाइन में बिताने के बाद फिर हम लोग मंदिर के अंदर आए हैं। और बहुत ही सुकून और शांति मिलता है और यहाँ पे ना सारी मन्नतें पूरी होती है। तो मैंने अपनी बेटी के साथ, मुझे यहाँ आना था तो फिर मैं यहाँ आई हूँ, वैसे ही मुझे आना ही था, तो इतने पावन दिन पे मैंने सोचा चलो आज ही क्यों ना आया जाए। तो इसलिए भाई की भी छुट्टी थी तो उसे भी लेकर आए हैं, मम्मी भी आई है। बहुत सुकून मिलता है और शांति मिलता है। और इस मंदिर की ना बहुत सारी मान्यताएँ हैं, बहुत फेमस है ये मंदिर। अगम कुआँ है जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर कुआँ है, तो हमेशा हम यहाँ पर आते हैं और बहुत ही शांति मिलती है सच में। ये देखिए, और भीड़ इतनी ज़्यादा है ना, इतनी ज़्यादा है कि लगता है जैसे आज पूजा हो ही नहीं पाएगी, लेकिन माता के मर्जी है, माता के मर्जी के कारण हम लोगों ने पूजा कर ही दिया। और पूजा करने के बाद फिर हम निकल गए कहीं और के लिए। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं पटना सिटी का बहुत सारा खूबसूरत खूबसूरत बना हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग अगम कुआं का पूजा किए और उसके बाद चले आए हैं मारूफगंज, जो कि बड़ी देवी जी यहाँ बैठती है। और मैं पहली बार आई हूँ, मम्मी जी का यहाँ मायका है तो उसे बहुत अच्छे से पता है मेरी माँ को, तो वो हम लोग कहेंगे चलो तुम लोग नहीं देखी हो तो ले चलते हैं। और मैं पहली बार आई हूँ इस यहाँ पर और यहाँ की भी देवी जी की बहुत ही मान्यताएँ हैं, तो आप लोग भी दर्शन कीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। सबका सब पे अब माता जी का आशीर्वाद बना रहे हैं, बस यही कामना करते हैं। और ये देखिए यहाँ पर मेरा भाई और मेरा बाबू है, तो एक एक करके हम लोग माता जी के पास जा रहे थे, क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा थी ना कि बच्चे को लेकर जाना पॉसिबल नहीं था। तो सबसे पहले मैंने दर्शन करके और वहाँ से निकल कर थोड़ा सा दूर चली आई हूँ, और देख सकते हैं आप लोग कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ। बहुत ही खूबसूरत पंडाल है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर। और मेरा ये यहाँ पे नानी घर भी है पटना सिटी में, तो अच्छा लगता है यहाँ पर आने में। और ये देखिए, ये दूसरा मूर्ति है, ये भी बहुत खूबसूरत है। और पटना का तो बात ही अलग होता है, तो मैं पहली बार मुझे मौका मिला है तो मैं इस मौके को कैसे छोड़ सकती हूँ। और आप लोग भी जानते हैं कि मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो मुझे कभी कभी ही मौका मिलता है, तो इसलिए मैं इस मौके को गंवाना नहीं चाहती थी। और मेरा बेबी का भी पहला इस बार नवरात्रि था, तो इसलिए मैंने उसे भी घुमा दिया। और अब हम जा रहे हैं घर, मरीन ड्राइव से होते हुए जा रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंच गए थे इधर से, और बहुत अच्छा रास्ता है। और इसी बहाने हम लोग मरीन ड्राइव भी घूम लिए हैं, ये पटना का मरीन ड्राइव है। उसके बाद घर आकर बहुत सारे काम किए, वो सब मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बेबी है ना, तो बहुत मौका नहीं मिल पाता है मुझे ब्लॉग शूट करने का, तो बहुत कुछ मैं शूट नहीं की हूँ। घर आकर बहुत सारे सफाई थे, फिर
फिर खाना बनाना था जो कि मम्मी बनाई है। मैं भी उनके साथ थोड़ा बहुत लगी हूँ। और बाबू को यहाँ पर मम्मी लगा रही है आलता, क्योंकि हम लोग 8वीं किए थे ना, तो उसके बाद कन्या पूजन करना था। तो घर में मेरी एक बेटी है, उसका पहला नवरात्रि है, तो इसलिए मैं मम्मी ने उसे अच्छे से उसका पैर धोया, उसे आलता लगा रही है और उसका पूजन करेगी। तो देखिए आप लोग ब्लॉग में। और मम्मी ने उसे गिफ्ट में कपड़ा, हेयर बैंड, क्लिप, बहुत सारी चीज़ दी है। तो सबसे पहले मम्मी उसे नए कपड़े पहना रही है, मम्मी ने दिया है उसको। और फिर पहनाने के बाद, उसे चुनरी ओढ़ाने के बाद उसकी आरती की गई, फिर उसे खाने को दिया गया। और यहाँ पे देखिएगा मेरी बेटी कितने अच्छे से खा रही है, बहुत ही अच्छा लगा इसको देखकर, खुद से लेकर खा रही थी और एकदम माता रानी जैसी लग रही है मेरी बेटी। ये देखिए यहाँ पर इसको मिला है खीर पूड़ी और मिला है सेब, मम्मी अपने हाथों से खिला रही है, बहुत ही प्यारा नज़ारा है। मैं तो बहुत भावुक हो गई थी, मेरी बेटी है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब चीज़ करना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे ये सब करना। और देखिए आप लोग कैसे वो खा रही है, उसे हैंकी मिला है और जो भी सामान मिला है ना, पैसे वगैरह, उसे बहुत अच्छे से रख रही है। और जब मम्मी उसे पैसे दी ना, वो एकदम कस के पकड़ी हुई थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। फ्रेंड्स, तो आप लोग को आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और मेरी बेटी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स, और चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते एक नए ब्लॉग के साथ।